कैसे पागल इंसान है भाई, यहाँ पे भी गाड़ी लगा दी है और बैग के बाल जुड़ गए ना सारे, ये देखिए बाल पूरे एसी फुल। बिस्मिल्लाह। तो है गाइस, कैसे हो आप सब? तो आई होप्स होगी आप सब ठीक हो। तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका। अभी टाइम हो गया 11:52 भाई, टाइम हो चुका है 11:52। हम जा रहे हैं थोड़ा सा मेड सिटी। मम्मा के पाँव में ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर फर्क नहीं पड़ेगा दो दिन तक तो तुम ले आना। पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, कोई पता नहीं। तो वेदर चेक कर लो, आज वेदर काफी ज्यादा अच्छा है, फिलहाल नॉर्मल है। आज इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर बैठ गया है, धूप छोटी थोड़ी कम है। ऑलमोस्ट आज रोजे हो चुके हैं 17, सो 17 रोजे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रह गए थोड़े 13 ही। तो देखते हैं भाई डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। क्या दिक्कत होगी भाई, प्लस्तर तो नहीं हो पाया, बट ये कि अबू बता रहे थे कि उन्होंने कुछ स्प्रिट वैसे लगा दी है तो जिससे ना मम्मा का पाँव नहीं हिलेगा। कैसे पागल इंसान है भाई, यहाँ पे भी गाड़ी लगा दी है और बैक साइड बिल्कुल साथ में गाड़ी लगाई हुई है। आए तेरी, ये देख रहे हो, ओ माय गॉड, बिल्कुल साथ में और पीछे भी बिल्कुल साथ में, वो देखो सामने। आए 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 आए। ओ गाड़ी निकालता है भाई यहाँ से, जल्दी जल्दी गाड़ी निकलेगी, देन उसके बाद फिर अभी नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो मुझे अभी जाना है महिंद्रा के शोरूम में, 800 किलोमीटर जाना है, तो उनके कुछ साइन करने हैं। एक तो गर्मी, दूसरा 10 मिनट तक एसी भी काम नहीं करता यार। अब मम्मा को मैंने बोला कि आप वहाँ तक पहुँचो तो मैं गाड़ी निकालता हूँ, यहाँ तक बहुत दूर हो जाना था। मैंने मम्मा पहुँचे होंगे नहीं पहुँचे होंगे, आ चुके मम्मा, आ गए आ गए आ गए आ गए। एक मिनट में गाड़ी बैग लेता हूँ ऊपर तक, तो वो खड़ी अपनी लाल परी। तो ये रहा अपना, जिस चीज़ के लिए मैं आया था ना, तो ये चीज़ के लिए आए थे भाई। तो काफ़ी दिन से सोच रहा था कि बालों में कुछ करवाऊं, तो क्योंकि बालों की बहुत जरूरी पूरी हालत हो चुकी है, देख रहे हो, क्योंकि डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बालों को थोड़ा सा स्पा करवाते हैं, क्योंकि बाल जुड़ गए ना सारा, ये देख रहे हो, बाल पूरे के पूरे जुड़ गए, तो ये वगैरह पूरे बाल खोलते हैं भाई। भाई यूज कर रहे थे पहले ब्रश, तो ब्रश बालों के अंदर घुसता ही नहीं है, तो मैंने कहा यार ब्रश रहने दो, हाथ से काम चलाओ। तो क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ था, जब मैंने स्पा कराना था तब तो बीच में कंघा जा नहीं रहा था, इतने ज़्यादा कर्ली हो गए थे। तो फिलहाल अभी इसी से चल रहा सारा काम, अभी करवाते हैं, सो अभी करवाते हैं यहाँ पर स्पा। वाह, आराम से फील करेंगे अभी, सो जाएंगे बालों को। स्पा वगैरह हो गया, स्पा वगैरह करवाने के बाद, अभी वॉश करने के बाद, सो फिलहाल मैं आया हूँ अपना काम देखने के लिए, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला था। मुझे एटलीस्ट नमाज से पहले पहले हम नज़र मार के आते हैं कि भाई आज क्या कर रही लेबर अपनी, तो चल रहा है काम शाम, मैं बैठा हूँ यहाँ पे देख रहे हैं काम शाम, तो मैं चलता हूँ नीचे वापस, रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट भी नहीं की हुई है। सो भाई साहब काफी दिनों से, तो सही बताओ तो ना तो कोई व्लॉग का पता चल रहा है, ना तो कोई टाइम का पता चल रहा है, ना तो कोई शेड्यूल का पता चल रहा है, कैसे दिन निकल रहे हैं, कैसा टाइम निकल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। फिलहाल कहीं ना कहीं करके एक दो दिन के अंदर ना थोड़ा ना टाइम इस टाइम ठीक नहीं चल रहा। आई थिंक सो कि आप भी वगैरह कोऑपरेट वगैरह कर रहे होंगे, और पता है कि आपको पता है कि यार लौंडा बिजी है, रमजान चल रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू व्लॉग नहीं आ रहे, पर पक्का प्रॉमिस मैं करता हूँ भाई जैसे ही रमजान खत्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह डेली व्लॉग मैं देता रहूंगा आप सबको। अभी फिलहाल के लिए जितने भी व्लॉग वगैरह अपलोड हो रहे हैं तो वो सारे ब्लॉग शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जल्दी से 10K कंप्लीट कर दो। तो मैंने बताया कि 10K पे मैंने एम रखा हुआ है, जिस दिन 10K हो जाएंगे भाई अपनी थार ले आएंगे। फुल डे नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद ना, तो शाम को थोड़ा सा टाइम मिला, सो मैंने कहा कि चलो अभी बाइक बाहर खड़ी थी, मैंने सोचा चलो यार एटलीस्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक मस्त वाली घेड़ी और ब्लॉग बना के आते हैं। निकल पड़े हैं घर से, पता नहीं कहाँ जाना कहाँ पे, ये टोटली बंद हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, मैं इसको ऑन ऑफ करके कर दूँ तो ये पता नहीं क्या दिक्कत होगी भाई इसको भी। तो अभी तक वो तेरी छोटा सा पॉपट हो गया भाई एक, ये देख रहे हो, ये निकाली मैंने बैटरी बाहर, सो आप लोगों को दिख रही होगी बैटरी निकाल दी बाहर, सो अभी बैटरी डालते हैं वापस, चल जा। ओह माय गॉड, तो ये चल ही नहीं रहा यार, ओह माय गॉड, सीन हो गया मस्त वाला भाई। तो ये ऑन ही नहीं हो रहा, राइड कैंसिल, चलते घर वापस, देखते क्या चक्कर हो गया इसको भाई। तो भाई पोपट हो गया मेरे साथ, क्या हो गया कि भाई अपना GoPro बंद हो गया यार, एक्चुअली ये खराब हो गया था, तो रास्ते में थोड़ा सा मैं रुका कहीं पे, तो मैंने थोड़ा सा चार्ज लगाया, तो लास्ट में पता चला कि भाई साहब अपनी बैटरी टोटली डेड हो चुकी है, तो दैट्स व्हाई ये अपना काम करना बंद कर गया था। सो आगे लगा है पुलिस का नाका,
क्या हो गया सर, किधर गए, क्या चक्कर हो गया, चले गए? अपने बंदे थे तो दैट्स व्हाई। वाओ।